प्यार की हर कहानी में किरदार चाहे अलग अलग हो लेकिन प्लॉट ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। जैसे कि एक लड़का एक लड़की, वो दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक दूसरे से मिलने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, बातें शुरू होती हैं और इस तरह प्यार हो जाता है। फिर थोड़े दिनों तक लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद कहानी में आता है एक ट्विस्ट, वो मोड जहां विलेन एंट्री मारता है। अब इस विलेन की कोशिश रहती है कि इनके प्यार में दरार आ जाए और प्यार करने वालों में दूरियां बढ़ जाए। यू नो व्हाट, प्यार करना इतना इजी नहीं है, यानी कि स्टोरी की हैप्पी एंडिंग करने में बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हाय, मैं हूँ सुरभि और ये है प्यार तूने क्या किया सीजन 3। आइए आपको कहानी सुनाते हैं आज लखनऊ के रहने वाले सोहेल और मल्लिका के प्यार की। सलाम अलैकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। ये लीजिए बेटा जान, आपका जूस। अरे अम्मी, बहुत ज्यादा है, हम वैसे ही कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। बरखुदार, लेट तो कल रात को आपको हुआ था, 3 बजे आए थे आप रात को दोस्तों के साथ। अम्मी अब हम चलते हैं। रुको, बैठो, तुम जा नहीं सकते। तुम्हारे लिए। अब्बू ये क्या है? देख लो। वॉच। जी बेटा, अब टाइम देखकर रात को वक्त पे कर आया करो, लेट आने का तो कोई बहाना ही नहीं चलेगा। चलिए अम्मी, अब हम चलते हैं। 1 मिनट बेटा, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे अम्मी और अब्बू को दुख पहुंचे। जी अब्बू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वहीदा हमारे घर में काम करती है रहमान, और आप उसके साथ। ओहो अमीना जान, भाई हमने ये सब कुछ कोई जानबूझ के तो किया नहीं भाई, उस समय हमने चश्मा नहीं लगा रखा था और जब हम अखबार ढूंढ रहे थे वो यहाँ खड़ी थी और हमने लपक के पकड़ लिया। अब जब उसको पकड़ा, वो चिल्लाई, तो हमें एहसास हुआ कि वो आप नहीं वहीदा है। आपने ये ठीक नहीं किया। अब भाई सही क्या है और गलत क्या है, ये तो सिर्फ एक ही लड़की डिसाइड कर सकती है। हाँ, और वो हाँ। है अमीना आपा, भाईजान बिल्कुल सच कह रहे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, रहमान भाईजान तो सिर्फ आपसे प्यार करते बस। सुभान अल्लाह, लो सुन लो, आप सच कह रहे ना मल्लू। मल्लू, कई बार हम सोचते हैं कि अगर आप इस घर में नहीं होती तो इस घर का क्या होगा। अरे इनके रोज के झगड़े से हमें कौन बचाता। अरे इस घर की रौनक है आप, जान बसती है हमारी आप में। वैसे सुबह सुबह हमारे घर की रौनक कहाँ चल दी। अरे भाईजान आप भूल गए, मल्लू का MBA का टर्म शुरू हो रहा है। ओहो ये तो हम भूल ही गए। तो सुनिए, आपके कॉलेज का आज पहला दिन है, अनजान लोगों से दूरी बरकरार रखिएगा, दिल लगाकर क्लास में पढ़िएगा और अपना ये मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके सीधा कॉलेज से घर आइएगा। और अगर कोई परेशान करे या कोई टीचर आपको डांटे तो सीधा रहमान भाई को आकर बताइएगा। वैसे हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसके कॉलेज के बाहर जाकर आज सारा दिन खड़े ही रहें। क्या भाई जान, वो MBA करने जा रही है कॉलेज, जंग पे नहीं जा रही, और बड़ी हो गई अपना ख्याल रख सकती है। मल्लू छोटी थी हमारे लिए और हमेशा छोटी रहेगी, जैसे कि आप साहबजादे। जी भाई जान। मल्लू तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, MBA करना आसान बात नहीं है, साथ साथ में थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना, नए नए दोस्त बनाना, और कोई भी परेशानी हो तो भाईजान को बता देना। अच्छा अब हम लेट हो रहे हैं, हम जाएं। जाओ, 1 सेकंड।
कुछ भूल रही हैं आप। हम? क्या? आपकी तहजीब। अब जाइए। अरे चाय डालो। थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी, थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी, उसके होठों पे मुस्कुराए, हाय दुनिया मेरी। रखना भी चाहो, रखना भी चाहो, सबसे छुपा के उसे, हाय रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा, हो हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले क्या हुआ, होश है अब कहीं है कहीं ये हवा, फिरता हूँ खुद को भुलाए हुए, याद मेरी मुझे तो दिला दो जरा, बेमतलब सा जीता रहा था, अब मिल गई है वजह। चलता नहीं मोम की बत्तियों पे पिघलता नहीं, नैना वो है ना, हाँ सितारे हैं दो, चांद दिन में कभी भी निकलता नहीं, डलना भी चाहूं बुझना भी चाहूं मैं उन चिरागों तले, मुझे बस एक झलक तो दिखा, हो हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले ले तू जान। और सोहेल कहाँ खोया रहता है भाई आजकल? प्यार में। प्यार में रहता हूँ यार। तुझे सच में प्यार हो गया है? कब, किससे, कहाँ? वही पुरखे वाली। वो हमारी जूनियर, वो तो गूंगी है ना। नाम क्या है उसका? हाँ पता नहीं। तो घर का पता तो होगा ना? आ पर कैसे पूछूं यार। ये ले आ गई तेरी बुरके वाली। कहाँ जा रहा है अब? अबे वो तो गूंगी है, कैसे बात करेगा? अबे हाँ। दोस्त है ना उसकी। हेलो, नाम क्या है आपका?
इनसे पूछिए ना कि इनका नाम क्या है। खुद ही पूछ लीजिए। पर ये तो बोल नहीं सकती ना। आपसे किसने कहा कि हम बोल नहीं सकते? पागल है ये। अरे अबे वो तो बोल सकती है। अरे नाम नाम चल। पागल है तुम्हारे। नाम तो बता दो उसे अपना। नहीं। क्यों नहीं यार, तुम बहुत बोरिंग हो। तू पागल है क्या? लिख के देने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती मैं पागल? दोनों को इस क्लास से ज्यादा जरूरी बाहर काम है तो आप लोग बाहर जा सकते हो। नहीं नहीं मैम सॉरी। क्या नहीं? यस मैम चल चल। सानिया सॉरी मैम। वाह लव लेटर क्या लिखा है इसमें? खोलो जल्दी खोलो। तुम्हें क्यों बताए? हमारे लिए। हम पढ़ेंगे अकेले में। अरे रुकना। अरे मलिका, उस दिन लाइब्रेरी में जब हमने आपको देखा, सॉरी आपकी आंखों में देखा, हमें आपसे प्यार हो गया। आपकी आंखों की सच्चाई, उनकी खूबसूरती, आपकी खूबसूरती, आपके गोलगप्पे खाने का अंदाज, जिस तरह से आप हमें देखती हैं नजरें चुरा चुरा के, आपकी हर अदा ने हमको पागल कर दिया है। कल कब आएगा? यार तू भूल जाना उसके बारे में। क्या मैन हम जानते थे आप आएंगी। हम रात को सो नहीं पाए, पूरी रात बस आपके बारे में ही सोचते रहे। अब तो चेहरा दिखा दीजिए,
अब इंतजार नहीं होता। तुम्हारी तो भाई, अरे छोड़, अरे मार मत यार भाई, अरे बस बस। हुज़ैफ़ा जाना यार, मस्ती सूझ रही है, कोई और काम नहीं है क्या तुम लोगों को? हुज़ैफ़ा, हमें तो लगा था बिना पुरखा उठाए ही पहचान लेंगे हमें, नजरें मिलेंगी और समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। सॉरी, हमें लगा कि हुज़ैफ़ा है, पर आप तो सच में मलिका है। आदाब। तो सोहेल और मलिका के प्यार की स्मूथ सी बिगिनिंग हो चुकी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक बात उनकी फैमिली तक नहीं आई। फिर प्यार करने वालों में आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों की फैमिलीज में भी अंडरस्टैंडिंग होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना कोई भी लव स्टोरी अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकती। अब इन दोनों की फैमिलीज में प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों की सोच अलग थी, फैमिलीज की अप्रोच अलग थी, प्यार को लेके उनका नजरिया अलग था, तो दैट्स व्हाई इन दोनों की फैमिली इनके प्यार के फेवर में नहीं थी। अब मल्लिका एंड सोहेल ने हर चीज को इग्नोर करके अपने दिल की बात सुनी और एक दूसरे से मोहब्बत की, लेकिन अब आगे जो होने वाला था उसको ये दोनों इग्नोर नहीं कर सकते। जिंदगी तुम्हारे साथ कितनी खूबसूरत है ना सोहेल, पर हम तो आपके बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं, जैसे कि आपके सपने क्या हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। वैसे सपने तो हमारे बहुत सारे हैं, पर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे अब्बू को हम पर नाज हो। आपने हमसे तो सब कुछ पूछ लिया, जरा अपने बारे में बताएंगी, आपके सपने क्या हैं? कुछ साल पहले तक तो थे हमारे सपने, बहुत कुछ करना चाहते थे हम, पर अप्पू के इंतकाल के बाद ज़्यादा कुछ चॉइस नहीं रही हमारे पास। हमारे बड़ी आपा के शौहर रहमान भाईजान तब से हमारा ख्याल रख रहे हैं, वो हमारे अप्पू की जगह पर है, पर फिर भी हम उन्हें भाईजान ही कहकर बुलाते हैं। वैसे तो वो बड़े प्यारे हैं, पर हमारे साथ ना कभी कभी बड़े सख्त हो जाते हैं, और हमारी आपा वो भी वही करती है जो वो कहते हैं, पर शायद ये इन दोनों का प्यार ही है। हाँ बस, हमारे एक जीशान भाईजान है जिनसे हम थोड़ा खुल के बात कर सकते हैं, वो भी जान छिड़कते हैं हम पर,
अच्छा तो आप सबकी लाडली हैं हाँ? आपको तो पलकों पर बैठा कर रखना पड़ेगा फिर तो। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं कि आप कितनी खूबसूरत हैं। आपके चेहरे से तो नजर ही नहीं हटती है। देखिएगा आप हमारी अम्मी को ना बहुत पसंद आएंगी। हमें ऐसा लगता है ना कि आप रहमान भाईजान को इतना पसंद ना आए। अच्छा हम आपके भाईजान को पसंद नहीं आएंगे हाँ? ऐसी क्या बुराई है हमें हाँ? हमारी शक्ल बुरी है या आईब्रोज ऊपर नीचे हैं या हमारी आंखें टेढ़ी हैं हाँ? क्या बताइए, हंस रही हैं आप? बहुत हंस रही हैं आप हाँ? हंसो हंसो और हंसो, हंस रही हो ना आप? हंसिए। सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, बैठिए। हाँ तो आप हैं सुहेल जी? पिछले आधे घंटे में बहुत कुछ सुन चुके हैं हम आपके बारे में मल्लू से। अब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। नाम हमें पता है, सुहेल सिद्दीकी। तो बताइए कुछ अपने बारे में। तो घर में कौन कौन है, कहाँ रहते हैं, फ्यूचर प्लान्स वगैरह वगैरह। भाईजान हम और मल्लू एक ही कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं। हम इनके सीनियर हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं। सेमेस्टर खत्म होते ही जॉब करना चाहते हैं। भाईजान हमारे भाई बहन तो नहीं है, अम्मी अब्बू के साथ गोमती नगर में रहते हैं। हमारी अम्मी एक एनजीओ चलाती हैं और अब्बू एडवोकेट हैं। एडवोकेट जी, हमारे वालिद रिजवान सिद्दीकी। वो जो बहुत फेमस एडवोकेट है रिजवान सिद्दीकी, वो आपके वालिद हैं? जी। तो कितना प्यार करते हैं हमारी मल्लू से? बस आप ये समझ लीजिए, अपने आप से भी ज्यादा। थैंक यू। हाँ बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है ये हमारी ये आरज़ू। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे मल्लिका। अब कल एक काम करना, कल कॉलेज से जल्द आ जाना वापस। आपके लिए एक सरप्राइज रखा है हमने। चलो मैं तैयारी भी कर लूँ। क्या चाहिए जन्मदिन पर अब? सोहेल कल मैं भाईजान से बात करूंगा और तुम्हारे सामने ही बात करूंगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मालू। सोहेल ये सब आपने हमारे लिए किया? पर ये रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों है? सारे लोग कहाँ गए? आपने सारा रेस्टोरेंट हमारे लिए बुक किया? एक बात पूछें, आप हमसे निकाह करेंगे? कबूल है। कबूल है।
पर रहमान भाईजान ने मना कर दिया तो हम निगाह कैसे करेंगे? आप फिक्र ना करें, आपके रहमान भाईजान को हम मना लेंगे। वरना भाग कर हम ट्रक में निगाह कर लेंगे। जैसा आप कहें। वैसे निकाह तो हो गया है, अब ये बताएं कि आप हनीमून पर कहाँ जाना चाहती हैं? हनीमून पर? पेरिस। पेरिस, चलिए हम आपको पेरिस लेकर चलेंगे। अच्छा, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमें एक साल के बाद एक छोटी सी मल्लू चाहिए। हमने तो उनका नाम भी सोच लिया है, जोया। जोया? पर अगर छोटे से सोहेल हुए तो अरमान? आप, हम, जोया और अरमान, परफेक्ट फैमिली। वाओ। सब तैयारी हो गई, अब जैसे ही दरवाजा खोलेगा एकदम हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देंगे, ठीक है? मैं उसको फोन करके पूछूं कहां पहुंची है। फोन नहीं उठा रही। हमने आपसे एक सवाल पूछा है, कौन था वो लड़का? जवाब दीजिए। सोहेल। सोहेल कौन? और देर रात आप उसके साथ क्या कर रही थी? वो भाईजान, वो हम आपको बता नहीं पा रहे थे कि हम सोहेल बहुत प्यार करते, सोहेल भी हमसे प्यार करते। आप सोहेल से प्यार करती हैं? भाईजान, मैं भी उस लड़के से मिल चुका हूं, लड़का अच्छा और खानदानी भी, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी मल्लू को खुश रखेंगे। वो बहुत फेमस एडवोकेट है, वो रिजवान सिद्दीकी, वो सुहेल के वालिद हैं। तो आप उस लड़के से मिल चुके हैं और उसकी पैरवी भी कर रहे हैं? हमारी मल्लू के लिए कोई ऐरा गहरा लड़का नहीं चलेगा। भाईजान, सोहेल ऐसे नहीं है। आप अपने कमरे में जाइए। हम जानते हैं आपके लिए कैसा लड़का ठीक रहेगा। कहा था ना शहजादा ढूंढकर लाएंगे। ऐरा गहरा लड़का इस घर में नहीं चलेगा, और उसका वालिद कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप उनसे मिल तो लीजिए। भाईजान, एक बार चुप। हम उससे नहीं मिलेंगे, और आज के बाद आप भी नहीं मिलेगी। कल सुबह आप कानपुर के लिए रवाना होंगी अपनी खाला के पास, और जैसे ही हमें आपके लिए कोई लड़का मिलेगा आपको बुलवा लिया जाएगा। भाईजान, जाइए अपने कमरे में, लेकर जाइए इसे। लेकिन आप भूल रहे हैं कि मल्लू का असली भाई मैं हूं, आप नहीं। बात तुमने आज कह दिया, दोबारा मत कहना। लेकिन भाईजान। चुप! मैं और एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, और आप जाइए अपने कमरे में, सुना नहीं। किसी से प्यार करते हैं, उनका नाम मालिका है,
हम उनके साथ निकाह करना चाहते हैं। पर मसला ये है कि उनके आपा के शौहर इस निकाह के खिलाफ हैं। वो आज सुबह ही मलिका को कानपुर भेजने वाले थे। अब हम सोच रहे थे कि हम मलिका को लेकर कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाते हैं। मतलब है कहीं बाहर चले जाते हैं? आपका कहने का मतलब है आप उन्हें भगा कर लेके जा रहे हैं? भगा कर नहीं अब्बू, मलिका के जीशान भाईजान इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। वो मलिका को लेकर कुछ ही देर में हमारे दोस्त कश्यप के यहाँ पहुंचते ही होंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये गलत है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पर अब्बू अगर मैं यहाँ रहे तो उनकी आपा के शौहर उनका निकाह किसी और के साथ करवा देंगे। हमें आप ही समझाइए। आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते सोहेल, आप जानते हैं इसमें कितना खतरा हो सकता है। अम्मी प्लीज, वो मुसीबत में है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो हम भी करते हैं ना आपसे सोहेल, आप एक दूसरी लड़की के लिए हमें छोड़कर जाएंगे? हम आपके लिए कुछ भी नहीं है। हद कर रहे हो आप सोहेल, जिस लड़की से आप दो हफ्ते पहले मिले उसके लिए आप हमसे दूर चले जा रहे हो? आप ये सोच भी कैसे सकते हो? हमारा नहीं, कम से कम अपनी अम्मी का तो ख्याल करो। हम तो फिर भी जी लेंगे, इनका क्या होगा? अम्मी हमें जाना होगा। सोहेल मत जाओ, अपने अपने अम्मी अब्बू के बारे में सोचो बेटा। अम्मी हम वादा करते हैं हम जल्द वापस आ जाएंगे और हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे, बस आप फिक्र मत कीजिएगा और अभी हमें मत रोकिए। सोहेल मल्लू, मल्लू दरवाजा खोलो। देखो हम जानते हैं कि तुम अपने भाईजान से नाराज हो और जो कुछ भी कल रात को हुआ हम उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मल्लू आप अपने भाईजान से बात नहीं करेंगी क्या? मल्लू हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए प्लीज एक बार दरवाजा खोलिए। मल्लू मल्लू दरवाजा खोलो। ये आवाज क्यों नहीं दे रही? मल्लू आवाज दीजिए, मल्लू दरवाजा खोलो। निशान दरवाजा खोल। मल्लू मल्लू भाईजान, हम सोहेल से बहुत प्यार करते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। हम जा रहे हैं, हमें माफ कर देना। खुदा हाफिज मल्लू। कहाँ है मल्लू? हम पूछ रहे हैं कहाँ है मल्लू? भाईजान वो जरूर आपने उसका साथ दिया होगा। सोहेल को आप जानते हैं ना? बताइए कहाँ है मल्लू? नहीं भाईजान हमें नहीं मालूम। हमसे झूठ मत बोलिए निशान, बताइए कहाँ है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदाब। शुक्रिया भाईजान। अरे शुक्रिया किस बात का, आप तो जीशान की बहन है तो हमारी भी बहन हुई। घबराने की कोई बात नहीं है, ये हमारा घर है और यहाँ पर आपको कोई छू भी नहीं सकता है।
क्या हुआ? अरे आप घबरा क्यों रही हैं? देखिए हम पर भरोसा रखें, हम कुछ नहीं होने देंगे। नहीं वो बात नहीं है। तो फिर वो हम तो ये सोच रहे थे कि यहाँ एक ही बिस्तर है। हाँ तब वो तो इशू है, क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। अरे आप घबराइए मत, आप यहाँ हिफाजत से सोइए, हम बाहर हॉल में सो जाएंगे, है ना? आप अभी भी उसे एक बिस्तर के बारे में सोच रही हैं? नहीं, एक बात पूछे हम आपसे? पूछिए। हमेशा साथ रहेंगे? सच बताएं? हमेशा। टूटता तारा। अब बता भी दीजिए क्या मांगा आपने? मांगा किसी को? अच्छा कौन है वो खुशनसीब? सुहेल नाम है उसका। जी ले जरा एक पल मिला जो तन्हाई का है ना। आप अपनी आंखें खोल लीजिए, हम आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसके लिए आप तैयार ना हो। हमने कहा था कि इंतजार कर सकते हैं। हाँ मगर एक चीज है जो हम करना चाहते हैं। क्या? ये चेहरा तकते जाना। हम हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। फिर जाना यही दुआ सदा तेरे लिए धड़के जिया धड़के। और इस स्टोरी में विलेन और कोई नहीं मल्लिका के जीजू थे। कि वो ऐसे बुरे इंसान नहीं थे और ना ही वो मोहब्बत के अगेंस्ट थे। मल्लिका को लेके वो बहुत ही ज्यादा कह रहे थे, बहुत प्यार से रखते थे उसे। लेकिन वो मल्लिका और सुहेल के प्यार को लेके थोड़े से अनश्योर थे, अनसर्टेन थे और वो शायद इसके फेवर में नहीं था। अब मल्लिका सुहेल को जो ठीक लगा उन्होंने किया, उन्हें लगा घर से भाग जाना चाहिए, वो भाग गए। लेकिन उन दोनों ने निकाह नहीं किया क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि जिस निकाह में बड़ों की दुआएं शामिल ना हो वैसे निकाह का क्या फायदा है। ये भी बात जानते थे कि प्यार को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, नफरत या गिले शिकवे से नहीं। इसलिए वो दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। अभी हमें माफ कर दें, हमें उस वक्त जो ठीक लगा हमने वही किया। बेटा आपको पता है आपकी अम्मी को आपकी कितनी फिक्र थी, रो रो के इनकी हालत कितनी बुरी हुई। अम्मी प्लीज ना रोए, देखिए ना हम आपके पास वापस आ गए। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? जिशान भाईजान गए हैं ना मल्लू को लेने। कहाँ चली गई थी आप बताइए? अपने भाईजान से प्यार नहीं करती हैं? अरे मैं और तुम्हारी आपा उदास हो गए थे, जानती हैं घर की रौनक है आप। भाईजान हम आपसे बहुत डरते थे इसीलिए कुछ बोल नहीं पाए। हम आज भी आपसे डरते हैं ये बोलने के लिए कि हम सोहेल से प्यार करते हैं। हम आपसे
बहुत इज्जत करते हैं, आपको शर्मिंदा नहीं होने देना चाहते। शायद हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। ये ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, आपको इनको हमको पहन के दिखाना होगा। सोहेल, हम आपको दुखी नहीं देख सकते। हम जानते हैं कि आप उस लड़की से बेइंतहा प्यार करते हैं, पर हम आपको उस लड़की से भी कई गुना बेहतर लड़की ढूंढ कर लाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ये किसके? मलिका के। अम्मी, क्या आप ही मलिका तक पहुंचा सकती हैं? जानी हमारी मल्लू नहीं है, देखिए इन्हें, ऐसा लगता है इनकी खुशी कहीं खो गई। आप इन्हें गाधना, आपकी जान बचती है इसमें, अपनी जान को ऐसे देख सकते हैं आप? भाईजान आप मेरी बात मानिए, एक बार उस लड़के से मिल तो लीजिए, वो मल्लू को दुनिया की हर खुशी देगा। सुहेल ही उसका शहजादा है भाईजान, सुहेल ही है। हमने फैसला कर लिया है, हम जल्द ही मल्लू का निकाह पढ़वा देते हैं, उसके बाद सब सही हो जाएगा और उसकी खोई हुई खुशी भी वापस आ जाएगी। हमारे जहन में एक लड़का है जो उसे बेहद खुश रखेगा। हम आज ही उसके वालिद से बात करेंगे। लेकिन भाईजान, लेकिन सुनिए तो सही भाई, ये मल्लिका की बालियां है ना, हमें इन्हें उनके घर जाकर लौटा देनी चाहिए। पर अम्मी, आप खुद क्यों जाना चाहती हैं? ये हम किसी और के हाथों भी तो भिजवा सकते हैं। नहीं, हम खुद जाना चाहते हैं, इसी बहाने हम मल्लिका को एक बार देख भी लेंगे और उनसे बेहतर लड़की आपके लिए ढूंढ के भी लाएंगे। बिल्कुल सही फरमा रही है आपकी अम्मी, हम आज ही चले जाते हैं। क्यों?
आप लोग यहाँ? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वो मल्लिका की बालियां सोहेल के पास रह गई थी। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। अमीना, अमीना जरा बाहर आइए, कोई मिलने आया है। कल लखनऊ में गर्मी बहुत है ना निशान? मैं रख के आती हूँ। मैं रखती थी। नहीं, मैं रख दूंगी बेटा। अगर आपकी इजाजत हो तो हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमने हमारे बेटे से ये वादा किया था कि हम उसके लिए मल्लिका से भी बेहतर लड़की लेकर आएंगे, पर हम हमारा वादा कैसे पूरा करें, क्योंकि हमारे बेटे के लिए मल्लिका से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारी बेटी है, आप हमें इसे दे दीजिए। इतनी आसानी से इसको कैसे जाने दें हम?
हमारी जान है ये। हमारी बहन से निकाह करोगे तुम? मल्लिका और सोहेल के घर वालों ने इनके प्यार को कबूल कर ही लिया। Well, beginning में तो इस मोहब्बत के हर कोई अगेंस्ट था, स्पेशली मल्लिका के जीजू एंड दीदी। But finally, इन दोनों ने बहुत मेहनत की अपने प्यार को प्रूव करने के लिए। Then सोहेल की फैमिली मल्लिका के जीजू से मिली और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। You know what? प्यार में होती है इतनी ताकत कि दुनिया में कुछ भी बदल के रख दे। पत्थर से पत्थर दिलों को सच्चा प्यार सिखला सकता है। और सोहेल और मल्लिका की मोहब्बत ने भी कुछ ऐसा ही जादू किया उनके घर वालों को। फिर अगर ऐसा प्यार नहीं किया तो फिर प्यार तूने क्या किया। तो फ्रेंड्स, ये थी मल्लिका और सोहेल की कहानी। इनकी कहानी में इन्हें जो ठीक लगा इन्होंने किया, लेकिन क्या वो आपके हिसाब से ठीक है? प्लीज अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए #ptkkontwitter.com/zingtv पर या फिर facebook.com/zingtv पर। नेक्स्ट वीक हम फिर से आएंगे प्यार की एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए हमारा इंतजार कीजिएगा और ये सोचिएगा कि आप अपने प्यार के लिए जो कुछ कर रहे हैं क्या वो काफी है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीक। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।